प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जबलपुर के अल्प प्रवास पर हैं, जहां डिप्टी सीएम ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के राम मंदिर पर दिए बयान पर निशाना साधते हुए कहा, दिग्विजय सिंह जनता के बीच अपनी नेगेटिव छवि बना चुके हैं, उनके बयान नेगेटिव होते हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सारे दल अपने स्वार्थ के साथ गठबंधन में आए हैं। वहीं चारों शंकराचार्यों को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि चारों शंकराचार्य हमारे आराध्य हैं। ठीक है, जाने भी चाहिए, लेकिन सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। मंदिर आप जाइए, दर्शन करिए, लेकिन जब आप सवाल उठाओगे तो फिर आपके ऊपर ये चस्पा लग जाएगा कि आप नेगेटिव बातें करने के आदि हो गए हो। जब से मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद से लगातार उनके जो बयान हैं, उनकी एक ऐसी छवि बन गई है कि हर अच्छे काम का विरोध करना उन्होंने अपना कर्तव्य मान लिया है, और इसलिए नेगेटिव छवि बन गई है। और इस प्रकार के बयान की उम्मीद भी की जा रही थी, जो बयान अभी उन्होंने कल दिया है। शंकराचार्य जी हम सबके आराध्य हैं, और बहुत से लोगों ने ये बात कही है कि जब भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का उत्सव मनाया जा रहा है तो सभी को उसमें आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, 22 को जो लोग नहीं लेंगे वो 22 के बाद जाएंगे, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसके मन में ये इच्छा ना हो कि अयोध्या में जाके उस स्थान पर भव्य मंदिर में जाकर और रामलला के दर्शन करें, जिस जगह पर उनके मंदिर के निर्माण होने की मांग पिछले कई वर्षों से होती रही। निजी स्वार्थों को लेकर राजनीति करने वाले ज़्यादातर दल हैं, उसमें परिवार की पार्टियाँ हैं। वो उसमें यदि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है और सरकारें बन जाती हैं तो फिर उन्हीं के परिवार के लोग ही मुख्यमंत्री, और कोई मंत्री तो कोई इस कॉरपोरेशन का चेयरमैन तो कोई कुछ। ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तरह ये पार्टियां हैं, चाहे दक्षिण की पार्टियां हों, चाहे अब तो उत्तर प्रदेश और बिहार से में अब वो चीज़ नहीं रह गई, लेकिन अभी जहाँ कहीं भी कुछ बचा है ये अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के महिलाओं के लिए, इस देश के युवाओं के लिए राजनीति कर रही है, और इसलिए ये गठबंधन सिर्फ मोदी जी को कमज़ोर करने के लिए बनाया गया है। लेकिन देश की जनता ने ये ठान लिया है कि मोदी जी को कमज़ोर नहीं होने देना है।